अमन साहब कुछ बोलेंगे जी भाई? हेलो हेलो जी जनाब, जी, मेरी आवाज आ रही है? पहले आ रही है सर। आपने ज्वाइन किया था तो लैपटॉप से माइक्रोफोन मेरा काम नहीं कर रहा था, अच्छा तो इसीलिए आवाज नहीं आ पा रही, तो मोबाइल से ज्वाइन किया है। हमें अभी तक मालूम ही नहीं था कि हम ज्वाइन है, तो भी बोल नहीं रहे थे। जी अच्छा कोई नहीं, आप एक्स मुस्लिम हैं? हम तो पहले से ही, हम तो आपकी जो वीडियो देखी थी तो कंफर्मेशन हो गए थे। अच्छा मैं आपको बता दूं कि ये आपकी ओरिजिनल डीपी लगी हुई है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा आपको? जी अभी मैं चेंज की है लेकिन इस पे चेंज दिखा नहीं रहा है। चलो मैं आपकी फोटो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आपका नाम भी आपको फिर कुछ प्रॉब्लम ना दे। नाम तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल, मैं फोटो अगर आप कर सकते हो तो हो जाए। जी अच्छा तो कब तक थे मुसलमान आप? अभी से 1 साल पहले तक। 1 साल पहले तक थे। नमाजें वमाजें पढ़ते थे जी आप? जी नमाजें पढ़ते थे, कुरान शरीफ भी पढ़े हुए हैं हम, कितना फॉलो और करते उर्दू हैं आप? अरबी पालो तो मतलब 5 वक्त की नमाज तो नहीं पढ़ते थे लेकिन ज्यादातर फॉलो करते थे। मेरे साथ के कुछ लोग थे तो वो हमसे ज्यादा फॉलो करने लगे थे, तो हमें रोज समझाते थे वो लोग कि तुम कम फॉलो करते हो, तुम्हें भी फॉलो करना चाहिए। फिर धीरे धीरे हमने भी स्टार्ट किया फॉलो करना, तो ओके हमारी हम पढ़ाई करते हैं तो हमने एनडीए की तैयारी की थी, तो तैयारी करने में बड़ा टाइम निकल जाता था। ओके हेलो जी, तो टाइम लेकर जाता था तो वो लोग मतलब कहते थे कि तुम नमाज कम पढ़ते हो, इस चीज में ज्यादा ध्यान देते हो। घर वाले भी मतलब यही कहते थे नमाज पढ़ा करो, और बहुत सी बातें बताते हैं। तो धीरे धीरे हमने उनकी, चाहे आप उन्हें जानते हो, ओशो को, ओशो का शायद आपने नाम सुना हो, किसका? आचार्य रजनीश। अच्छा ओशो, हाँ, ओशो का सुना है भैया, उस जी उनके वीडियोस भी देखे कुछ इंस्टा पे हाँ, तो रील्स। हमने, हाँ तो पहले, बहुत पहले हम उनके कुछ वीडियो वगैरह देखते थे, तो उनकी बहुत सी ऐसी बातें थी जो मतलब हमें गलत लगती थी। वो मतलब एक चीज हमें उनकी अच्छी लगी कि वो कहते थे मानो मत जानो किसी भी चीज को। तो हाँ यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि कुछ भी है तो उसे मानो ही, जाना तो दूर की बात है, मतलब कुछ मालूम भी नहीं होता है, सब हर चीज मानना ही होता है। और ऐसी ऐसी चीजें होती हैं कि आप 1 वक्त की नमाज नहीं पढ़ेंगे तो ना जाने कितने टाइम तक आपको जहन्नुम में रखा जाएगा। अगर आपने वुजू थोड़ी जल्दी से कर दी तो ये होगा वो होगा, मतलब इतनी चीजें होती थी। एक रोजा अगर आपने छोड़ दिया है तो बहुत से सालों तक आपको मतलब दिक्कतें होंगी। तो इन चीजों को देख के हम इतना डर गए थे कि मतलब हम इतना डर गए थे कि हम सोच रहे थे अगर हम फॉलो भी करेंगे तो अगर धोखे से एक भी हमसे अगर छूट जाएगा तो जितना अभी तक हमने तैयारी की है नमाज रोजे या जन्नत की तैयारी की है वो तो मेरी सब बेकार चली जाएगी। तो इसलिए मतलब नहीं, हम ये जो थोड़ा जो पीछे हटने लगे थे। नमाज पढ़ते थे, आपने कहा कुरान भी पढ़ा हुआ है, तो आयतुल कुर्सी सुना सकते हैं? जी अलमदुम सूरत याद है? हेलो हाँ, आयतुल कुर्सी नहीं याद है? जी, आजकल कुर्सी नहीं याद है? अलमदो अलिफ्लामीम चारों कुल याद है? अच्छा, अच्छा चलो अलहम सुना दो और चारों कुल सुना दो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أو سمعي हाँ सुनाइए। يقول أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر الغاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر الحاسد إذا حسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم गड़बड़ कर दी। अरे बहुत टाइम हो गया ना हमको यार, मतलब 2-3 साल हो गए तब से हमने पढ़ा ही नहीं ना, छोड़ चुके तरीके से देखा जाए तो। चलिए कोई नहीं, आप मोमिन थे इतना तो कंफर्म हो गया। तो आपने आपने ओशो को सुनना स्टार्ट किया और आपके आपके अंदर ये चीज पैदा हुई कि भाई मानो नहीं जानो, पहले जानो। जी केवल तो इस्लाम के बारे में क्या तो जाना जी? इस्लाम के बारे में फिर क्या जाना आपने जो आपने इस्लाम छोड़ दिया? इस्लाम के बारे में तो सिर्फ आप सही सीखा कि क्या सही है क्या गलत है। अभी रमजान से हमने आपकी वीडियो तो देखी थी। हाँ तो रमजान से आपकी पहली वीडियो जो हमने देखी थी वो शायद सेक्स स्लेवरी के ऊपर थी। हाँ तो आपने सूरा बताई थी 23:8 कुरान से। हाँ जब हमने पहली बार मतलब लाइफ में तो हमने कभी हिंदी उसका ट्रांसलेशन तो ना तो हमने पढ़ी ना ही आजकल के लोग पढ़ते हैं, ऐसा तो मतलब सबको ही मालूम है। ठीक है तो जब हमने ट्रांसलेशन से उसकी जो पढ़ी थी तो हमें भी बड़ा मतलब अफसोस लगा कि यार ये भी चीजें लिखी हुई है। पहले हम सोचते थे कि कंफ्यूज थे कि क्या पता है या नहीं है, सही हो सकता है गलत भी हो सकता है। जब आपने केवल एक हमको आयत बताई तो उससे ही कंफर्म हो गए थे ये जो है कि ऊपर की किताब नहीं है, ये केवल अपने द्वारा ही लिखी गई है। क्या बात है क्या बात। तो भाई लोग देखिए सिलसिला कैसे शुरू हुआ भाई के साथ के पहले ओशो को सुनते थे, फिर इनका इनका जहन ऐसा बना के जानो फिर मानो, फिर ये हमारे चैनल तक पहुंचे, उसके बाद इन्होंने हमारी वीडियो देखी और इन्होंने जब स्लेवरी के ऊपर हमारा वीडियो देखा और चेक किया तो ये आज मेरी बात हुई थी कल। कल कल तो नहीं लेकिन 4-5 दिन पहले से हमारे इधर एक जलसा भी हुआ है, वो सब हमारे वजह से हुआ है। हाँ तो बात ये हो गई थी कि हमने क्वेश्चन वगैरह किए उनसे। हाँ हमने मस्जिद में तो नहीं किए, पढ़ने जाते थे कम जाते थे हम क्योंकि आजकल अगर बाहर रहते हैं दिल्ली में खुद का काम हम डाला है तो घर पे रहने पाते। इस टाइम छुट्टी पे दिवाली पे हम घर पे आए हुए थे भाई। एकदम पर्सनल डिटेल मत बताओ कि कोई प्रॉब्लम हो। अच्छा चलो ठीक है। तो घर पे थे तो उन्होंने मस्जिद में पूछा कि यही क्वेश्चन हमने किया कि हमको हमने उनको आयत नहीं बताई ना ही हमने ये बताया कि कहाँ लिखा है कहाँ नहीं, उसका ट्रांसलेशन जो था वो सब बाकी एडिट करके हमने उसको भेजा, केवल ये पूछा कि इसका मतलब क्या है। तो उन्होंने यही बताया मतलब स्लेवरी ये सेक्स के ऊपर बात है। हमने पूछी ये ठीक है या गलत है, तो उन्होंने जो गलत है उन्होंने ही खुद बोला कि गलत है। हमने उनसे क्वेश्चन नहीं किया था पहले, हमें मालूम था अगर हमसे क्वेश्चन करेंगे तो या तो पीछे हटेंगे या फिर उसका आंसर नहीं देंगे क्योंकि हम बहुत बार कर चुके हैं ना ऐसा। उन्होंने ही बताया कि ये गलत है, फिर हमने उनको दिखाया कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब वो 5 से 7 मिनट तक तो वो ना तो कुछ बोले ना ही मतलब केवल ऐसे देखते रहे, हमें देखते रहे गुम से हो गए। फिर बाद में बोले कि बाद में बात करेंगे, हमने कि ठीक है बताना। तो रात में मेरी बात ये होती रही, उन्होंने कहा हम रात में इसका जवाब देंगे। फिर वो सुबह तक उन्होंने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया, हम उनके घर पे मिलने पहुंच गए फिर भी वो मतलब बात नहीं कर रहे हैं। हमसे कह रहे कि बताओ इसका क्या मतलब है, वो मतलब बात ही कुछ नहीं कर रहे आगे तक। और मेरे बहुत अच्छे खासे मित्र हैं मतलब मिलने वाले, उसका जवाब ही नहीं दे रहे। तो भाई ये होती है मुफ्ती मौलवियों का हाल, जब उनसे सवाल किया जाता है जब उनको हवाले दिए जाते हैं तो उनकी बोलती बंद हो जाती है। और मतलब हम डायरेक्टली अपनी इस चीज को नहीं कबूलते हैं कि हम एक्स मुस्लिम है या हमने छोड़ दिया है या नहीं। हम आज भी जाते हैं मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं ताकि जो है लोग हमें कुछ गलत ना समझे, मेरे घर वाले जो हैं वो कुछ भी मतलब कर सकते हैं, हम इतना मतलब सक्षम नहीं है अभी, इसलिए हम आज भी जाते हैं लेकिन मेरा तरीका अलग होता है मोटिव अलग होता है। बहुत लेकिन लोगों को पता चल जाता है, लोगों को पता चल जाता है। तो जलसा कराया गया अभी 2-4 दिन पहले।
हाँ हमारी तरफ। तो वो बोल रहे मौलाना लोग बहुत बुलाए गए दूर दूर से, तो बोले बहुत सी गलतियां फैल रही है लोगों में, ये है वो है बातें, हम तो सुनने गए हुए थे, तो मतलब हाँ हमारे ऊपर ले लेके लोग बोल रहे थे, लेकिन कोई डायरेक्टली नाम नहीं ले रहा था, वाह भाई इसीलिए वाह, मतलब मुल्ला ना कि हम मौलवी को डायरेक्टली अभी गए। उड़ रही है। हाँ, डायरेक्टली हमने ये नहीं बोला कि हमने छोड़ दिया या कुछ नहीं, केवल क्वेश्चन पूछते हैं और उनसे ये कहते हैं कि हमें सीख दो, हमसे कोई ये क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन वो हमें उसका आंसर ही नहीं दे पाते हैं। बहुत जबरदस्त। अच्छा ये अक्सा खान बहुत उछल रही है कमेंट में। अक्सा खान मैं आपको यहां से वार्निंग दे रहा हूं, देखिए हम आपका एहतराम करते हैं, आप यहाँ पे आके कमेंट कर रही हैं, अगर आपको जो है वो आपके मोहम्मद साहब को आपके अल्लाह को अगर लोग गालियां देना शुरू कर देंगे तो अच्छा लगेगा अक्सा खान साहब, अक्सा खान जी अच्छा लगेगा क्या? वजह बनना है आपको रसूलुल्लाह की बेहुर्मती का, आपको अगर कुछ बात रखना है तो अच्छे ढंग से रखिए, अगर कोई बात गलत कही जा रही है तो आप उसका काउंटर करिए। पहली बात तो कमेंट जिहादन बनने के बजाय आप कुछ जुड़ जाइए, या जो आपके मुंह बोले बाप है जिनका आपने नाम लिया, तो एक तो डर के आता नहीं है, उसने ईमेल मुझे किया था वो आता नहीं है, वो कहता है नहीं, मैं सिर्फ रिएक्शन वीडियो बनाऊंगा, आपको चाहिए तो आप मेरे ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाए। मैं बोला तेरी औकात नहीं है भाई कि तेरे ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाऊं, अगर तुम्हारे पिछवाड़े में इतना दम है तो लाइव आ जाओ। तो कहता नहीं, मेरी हेलो, लाइव में आपसे बात करने की। तो ये तुम्हारे वो पहले वाले बाप का हाल है जिसका आपने नाम लिखा है, रिस्पॉन्स आपका, इनके पिछवाड़े में दम नहीं है कि लाइव आके बात कर ले। और जो बेचारे दूसरे साहब है जो कि मैं इनको बहुत अच्छे से जानता हूँ, ये मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, इनके जरिए से मैं कई जगह पे जो है, कहीं नहीं कुछ जगह पे मैंने बयानात भी किए मोमिनों के अंदर, तो ये बिचारों को बिचारे को जो है पहले जो 100 लोग देखते थे या 50 लोग देखते थे, अब इनकी नौबत ये आ गई है कि तीन तीन मौलवी भी बैठते हैं तो खाली 10-15 लोग देखते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने आके स्ट्रीम में यानी जो डिबेट हुई थी उसमें ये अपने रसूलुल्लाह को पीडोफाइल साबित करके गई है, और हवाले गलत दिखाकर जईफ हदीस का सहारा लेकर, फिर इनको कई बार बोला गया कि भाई फिर से आओ, फिर से आपकी बम्बू लगाना है, तो वो डरते फिर रहे। तो अगर इनसे नहीं हो पा रहा है तो आप आ जाइए, लेकिन ये क्या तरीका है आपके, दूसरों को आप गालियां दे रहे हैं, आप आ जाओ बात जिन करो। अब्बू का नाम लिया है हेलो वो डिबेट करके जा चुका है, ये इसको पता ही नहीं है। हाँ ये रहा सामने स्क्रीन पे। बिल्कुल। तो अगर यह ना सुधरे, और बाकी लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि कोई भी किसी भी रिलीजियस एंटिटी को आप बिल्कुल गाली ना दे, हमारा मकसद गाली देना नहीं है, दलील की रोशनी में हम जब असल चीजें जब बताएंगे ना तो ऑटोमेटिकली इनकी हकीकत सामने आ जाती है, तो गाली नहीं दे। और अक्सा जी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि गाली ना दे वरना आपको टाइम आउट मिलेगा और उसके बाद आप फिर ब्लॉक हो जाएंगे। जी अमन अमन साहब बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के जी, लिए और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। आपसे एक क्वेश्चन था मेरा। जी जी कर लीजिए, फिर हम कॉलर्स की तरफ बढ़ते हैं। आपकी वीडियो कुछ लड़के और हैं वो भी देखते हैं, तो उन्होंने उनसे पूछा कि उन्होंने अभी तक मिर्जा जी से डिबेट नहीं की, क्या आपने मिर्जा जी से, क्या नाम उनका, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। यार देखो इंजीनियर मिर्जा को ये तो अच्छे तरीके से पता है कि एक्स मुस्लिम बहुत डैमेज कर रहे हैं, बाकायदा इंजीनियर मिर्जा ने और बाकायदा तारिक मसूद ने मेरे चैनल पर तीन तीन स्ट्राइक भेजी है, 1.5 साल हो गया मेरा चैनल बंद करवाने के लिए, एकदम प्लान के साथ एक टाइम पे एक टाइम से उन्होंने 3 स्ट्राइक भेजी, लेकिन अल्लाह भी उनका साथ नहीं दिया, मेरा कुछ तोड़ नहीं पाए उन लोग। इनको खुला चैलेंज दिया गया है कि आ जाओ, इनका जो शार्प शूटर है इमाद,
ये भी उनसे बात कर चुका है कि भाई आप जो है वो साहिल से डिबेट करो, लेकिन वो करने के लिए रेडी नहीं है, तो वो नहीं आना चाह रहे भाई, आप रेडी है इनसे बात करने के लिए। तारिक मसूद है, तारिक जमील साहब है, इंजीनियर मिर्जा है, मुफ्ती मेंक है, कोई भी प्लेटफॉर्म पे अगर ये आ जाए बात करने के लिए तो हम इनसे बात करने के लिए रेडी है। इनके लिए जो चार पांच नाम बताया मैंने, इनके लिए ये शर्त भी नहीं है कि हमारे चैनल पे आना पड़ेगा, हम इनके चैनल पे चले जाएंगे, इसके ओपन स्ट्रीम कर दे। ये तो फिर गलत है, वही नहीं बुला रहे सर, डरते हैं ना, उनको मालूम है, जैसे कि इमाद कहता ना, तो ये मुल्लाओं की दुकान बंद, द डैमेज हैज बीन डन, मुल्लों की दुकान बंद, द डैमेज हैज बीन डन, ये मामला हो गया है सर। अभी कुछ समय पहले आपने कोट बोला था, शायद आपको याद ना हो, कि गंगाधर ही शक्तिमान है। बिल्कुल सर, तो हमने उसको स्टेटस से लगा दिया था। अरे फिर तो समझने वाले समझ गए थे, तो नहीं समझने वाले नहीं समझे, लेकिन जो समझ गए थे वो हमसे, तब से ही वो समझ गए कि यार ये बंदा है कौन। वो मतलब वो हमसे बहुत कम मिलते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन जब भी वो बातचीत करते हैं हम उनसे अच्छी बातचीत करते हैं इस्लाम के बारे में। अगर वो किसी से कहते हैं ये अच्छी चीजें हैं तो उनसे अच्छी बताते हैं, ताकि उन्हें लगे कि हाँ हम तुमसे ज्यादा फॉलो करते हैं। लेकिन जब कहीं क्वेश्चन उठाने की बात आ जाती है तो उनसे ऐसे ऐसे चीजें पूछ लेते हैं, फिर वो डर जाते हैं, पीछे रास्ते भागने लगते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए अमन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, और कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। अमन साहब के लिए एक एक गुलाब का फूल भेज दे सारे लोग। इसके बाद हम अगले कॉलर की तरफ बढ़ेंगे। एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म जो है वो छा गया है लोगों में, और मुल्ला मौलवी जो है वो कांप रहे हैं, इनकी कांपे टांग रही है, ये हड़बड़ा चुके हैं, ये अपने खुतबों में और जो पर्सनल ये बयानात करते हैं वहां पे ये खूब अपने लोगों को कह रहे हैं कि भाई अपने बच्चों को, अपनी औलाद को, अपनी भाई, अपने भाई बहन को एक्स मुस्लिम्स की वीडियो देख के बचाओ। आप लोग अगर दुआ रहे तो मेरे पास दो लोग ऐसे और हैं कि वो भी बन जाएंगे। वाह भाई वाह, तो उनको बनाइए और उनको भी स्ट्रीम में लेके आइए। भाई साहब कहीं टूटता हुआ तारा यही भाई तो नहीं था ना? आवाज साफ नहीं आ रही है साजिद। हाँ हम बोल रहे एक डूबता हुआ तारा आए थे, वो यही भाई तो नहीं थे ना? नहीं नहीं, वो डूबता तारा अलग थे। अच्छा अच्छा चलो। अच्छा बानो जी आई हैं, बानो जी बानो बानो जी कुछ बोलिए बानो जी। हेलो जी बानो जी, थोड़ा जोर से बोलिए। हेलो बानो जी, थोड़ा जोर से। जय माता दी। हेलो, हाँ अभी सही आवाज आ रही है जी। बानो जी थैंक यू, वेलकम। मोमिना है बानो जी? 25 साल हो गए, 25 साल नहीं 27 साल। 27 साल हो गए किस बात को? एक्स मोमिना बनके। एक्स मोमिना बनके 27 साल हो गए? वाह जी वाह, वाह जी वाह। आपको पुरानी चावल है एकदम। मैं ऐसी नहीं, पहले बीच में मोमिना हो जाती हूँ, एक्स मोमिना जो मैंने मतलब एक नॉन मोमिन से शादी की हूँ। Okay. तो अपना मोमिना भी रोल अदा करती थी और फिर उन लोग के साथ उनके जैसे भी रहती थी। हाँ. बहुत कंफ्यूज थी, लेकिन 2021 से आप लोगों का वीडियो देख के हाँ. मुझे एकदम मतलब क्लियर हो गया। वाह कि क्या सच है। मैं बहुत पहले कुछ नहीं जानती थी हकीकत क्या है, जानने की बहुत कोशिश करती थी लेकिन हाँ. मुझे कुछ पता नहीं समझ में आता था, मैं सर्च भी करती रहती थी, मुझे कुछ पता नहीं चलता था।
लेकिन आप लोग वीडियो में दो आपको वीडियो मैंने बहुत पहले से देखा है, जब आपको प्रॉब्लम हुआ था, मुझे जब से मैं आपका वीडियो देखती हूँ और अभी भी रोज आना देखती हूँ, ट्यूसडे फ्राइडे आदम सर का भी देखती हूँ। वाह, तो ये 21 से पहले जब वीडियो देखा आपने तब एकदम आप पूरी तरीके से निकल गई? नहीं, पहले नमाज वमाज इतना नहीं था, ईद की नमाज पढ़ ली है, जब मैं ज्यादा नहीं फॉलो करती थी, मुझे कुछ कुछ बातें नहीं पसंद थी इस्लाम की। तो कोई सूरह इरा याद है आपको? सुनाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिक की उम्मीदी, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लजीना अनअमत अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दालीन, आमीन। माशाअल्लाह, दरूद शरीफ याद है आपको बानो जी? नहीं नहीं नहीं, मैं बहुत कम फॉलो करती थी, नमाज भी बहुत कम पढ़ती थी। अरबी सीखा था आपने पढ़ने के लिए? हाँ हाँ, अरबी पढ़ना सीखा था। अरबी आपके सामने लाऊंगा तो पढ़ पाएंगी आप? नहीं, अभी मेरे को चश्मा नहीं है, मैं ऐसी बैठी हूँ तो मुझे धुंधला धुंधला नजर आएगा। मैंने अच्छा, पहले भी बीच में एक बार ज्वाइन करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर घर में इंसान आ गए तो फिर मैंने नहीं चालू की, मैंने नहीं हो गई। अलहम के अलावा नहीं कोई एक हर खुलाउ मेरा बिल नासिम मालिकी नासिम सरी वश वासिर खन्नासी लगे कि यूएस सूफी सुदूरी नासिमिन अल जन्नती वन्नास खुला ला हो अल्लाह हु समद लम मेलिद वलम युलद वलम यकुन लहु कुफुवन अहद। माशाल्लाह माशाल्लाह, नहीं मोमिना ही है, मोमिना ही थी। कि उर्दू का कोई भी वर्ड कोई भी एक हर्फ पढ़ सकती है क्या? क्या बोलूं, चश्मा नहीं है ना उनके पास, चश्मा होता तो कोई नहीं भर दिया यार, कम हो गया, लेट इट बी, लेट इट बी। नहीं चलो करो, खुशी इस बात की हो रही ना, 27 इयर्स से ये है ना, थोड़ा जूम करो और जूम कर दो ये। जिक्र किया गया, आपने लोगों को इकट्ठा किया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, सही है, जिसने ये क्या किया है। बस बानो जी, हो गया। थैंक यू सो मच बानो जी, हम थोड़ा सा स्ट्रिक हो गए थे आपके लिए, हालांकि मैं नहीं होने वाला था, साजिद थोड़ा स्ट्रिक हो गया था, कोई मुश्किल नहीं। तो साजिद सर को मैं सुनती रहती हूँ, थोड़ा सा सही हो जाओ, हम लोग भी सुनते रहते हैं। आप दोनों को साहिल, मेरे एक बेटे का नाम भी है क्योंकि कॉमन नाम रखा गया है, इसलिए आदम सर थैंक यू बहुत इंफॉर्मेशन देने के लिए, बहुत सी चीजें ऐसी जो मुझे पता नहीं थी, आप लोगों के थ्रू से मुझे बहुत 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 नॉलेज मिला है, थैंक यू। बानो जी, अगर मैं टॉप 3 चीजें बताने बोलूं जो आपको इस्लाम में अभी जब से आप सुन रही है और एकदम सबसे ज्यादा, मतलब ये सुन के आपको लगा कि यार बस अब मैं नहीं सह सकती, मतलब ये गंदगी मुझे नहीं पसंद है, वो टॉप 3 चीजें क्या रहेंगी, ताकि जो आपके जैसी विकार वाली जो और भी लड़कियां हैं उनको थोड़ा इंस्पिरेशन मिलेगा आपसे? मुझे तो इस्लाम में ना कुछ भी अच्छा ही नहीं लगता है, तो पहली बात तो अगर टॉप 3 बोलना चाहते हो तो एक 6 साल की बच्ची से शादी करना ये सबसे बड़ी बार गलत बात है। दूसरी ये स्लेवरी का जो मैटर है ये एकदम गलत है, और तीसरा बोलेंगे तो थोपना, जो इस्लाम मुस्लिम जो हर चीज पे थोपते हैं ये होना ही चाहिए, ये करना ही चाहिए। इसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा मेरे लाइफ में, मैंने बहुत फेस किया है मेरे पेरेंट्स की तरफ से, बहुत सा प्रॉब्लम, बहुत बार रोई भी हूँ, क्यों ऐसा, ये हिंदू मुस्लिम एक क्यों नहीं है, उन लोग में ऐसा नहीं है, इन लोग में क्यों ऐसा है, ये करना ही जरूरी क्यों है, ऐसा बहुत बहुत बार हुआ है, लेकिन फिर भी मैं सोचती थी हाँ ये सच्चा है, ये है वो है, मैंने बहुत हदीस भी ढूंढने की कोशिश की, मैंने बहुत
मैं यूट्यूब पे सर्च करती रहती थी कि किधर मुझे कुछ मिलेगा। मैंने द मोहम्मद पिक्चर वगैरह जो आते हैं यूट्यूब में वो देखती थी क्या मिलेगा। कभी कभी तर्जुमा भी मैं ट्रांसलेट सुनती थी, लेकिन कभी कभी गलत लगता था, लेकिन फिर समझ में बराबर नहीं आता था, फिर उसको एक्सेप्ट कर लेती थी। फिर जैसे कि 2021 में मेरे को फिर से एक बार प्रॉब्लम हुआ था मेरे ये इस्लाम के थ्रू से, तब मैं वही सर्च करती थी, तब मुझे आप लोगों का चैनल मिला। और मैं सच में इतनी खुश हुई थी उस दिन से आज तक का, बहुत हद से ज्यादा खुश हूँ 2021 से लेकर। वाह भाई वाह वाह, जबरदस्त यार। बानो जी के लिए एक एक गुलाब भेज दे हमसे, सीनियर है। और दूसरा, मेरे को लैला जी की याद आ गई, एक्समस टीम लैला जी की, उनकी भी स्टाइल थोड़ी बहुत ऐसी है। बानो जी, अभी आप मतलब पूरी तरीके से मतलब खुश है और संतुष्ट है, मतलब अभी वो फीलिंग नहीं आ रही है कि हो सकता है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरी फीलिंग बचपन में थी या बड़े होने के बाद थी वो राइट थी, क्योंकि मुझे पहली बार तो ये कुर्बानी का त्योहार बकरीद जरा भी पसंद नहीं था, ना बचपन में पसंद था ना बड़े होने का। क्यों क्यों किसी जानवर को मारना है, ये मेरे सवाल हमेशा दिमाग में रहता था, आज भी वो रहता है। हमारे घर में कुर्बानी होती है, हमारे बहनों के घर में आते हैं, कुर्बानी होती है, लेकिन मुझे मजबूरी से उस चीज को पर कैरी करना पड़ता है। जी बहुत जबरदस्त बानो जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपकी बातें जो है वो कई लोगों के लिए यू नो यू विल बी एन इंस्पिरेशन फॉर मेनी वुमेन। अगर वो भी अगर सोचेंगे, जो मेन तीन पॉइंट आपने बताया एकदम वैलिड, एकदम जबरदस्त पॉइंट बताया, मैटर जो आपने बताया तीन मैटर, सबसे पहला मैटर जो है वो 6 साल की बच्ची के साथ शादी करना, दूसरा मैटर स्लेवरी वाला, तीसरा मैटर थोपना इस्लाम लोगों पे, एकदम टॉप क्लास मैटर आपने बताया। अच्छा, किसी को भी इस्लाम से निकालने के लिए ये तीन चीजें ही काफी हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में ना भी जाए बंदा तो ये तीन चीजें काफी हैं, अगर वो हकीकत देख ले इसमें मुकम्मल तौर पे निकल जाएगा। आदम सर है क्या? जी जी है आदम साहब है। थैंक यू सर, बहुत इंफॉर्मेशन देते हो आप, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू जी, बहुत धन्यवाद, अप्रिशिएट इट। थैंक यू साहिल, थैंक यू बानो जी, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी अभी एक न्यूज आपको दे दूं तो मैं आपके ही एरिया की हूँ। मेरे एरिया की? अच्छा, लेकिन एकदम ज्यादा डिटेल में मत बताओ ना, घर पे पहुंच जाएंगे आपके। नहीं नहीं, 17 आपके साथ ना प्रॉब्लम हुआ था ना, तो मैं आपका शॉप भी ढूंढने को लिए निकली थी, आप कहां मुझे मिलेंगे करके। वाह भाई वाह। लेकिन आप मुझे मिले नहीं, फिर बाद में मत पता चला कि वो जो लाइन था उधर तो दुकान थी तो बंद हो गई, तो फिर दूसरे लोग आ गए। मैंने आपको खोजने की भी बहुत कोशिश की। वाह भाई वाह, क्या बात है, मुंबई 17 वाह। तो दीदी, इस तरीके से आप इस बंदे की तरह तो नहीं निकली थी ना? नहीं नहीं भाई, वो सब जल्लाद लोग हैं, इनसे क्या, मुझे तो इन लोग की बातें भी पसंद नहीं है, जो अपनी बात पे एकदम अकड़ के रहते हैं वो बात तो मुझे जरा भी पसंद नहीं है। इंसान को नरमी, सामने वाले को भी जानना। ऐसे बंदे भी ना खोजने के लिए ही निकलते हैं, हम लोगों को खोजने के लिए ऐसे बंदे हर गली में टहल रहे हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच बानो जी, कभी मौका मिलेगा तो हम आपसे जरूर मिलेंगे, क्योंकि आप भी 17 वाली है, और 17 वाले अपन बहुत खतरे वाले रहते, मौत डाल देते। मुझे भी तो, मिलना है जी, टेंशन की बात नहीं है, कभी ना कभी तो मुलाकात जरूर होगी, जब उस तरीके का माहौल हम बना देंगे 17 में, और माहौल बनाएंगे, कोई टेंशन नहीं। थैंक यू सो मच बानो जी, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सबके लिए, थैंक यू। बिल्कुल। अच्छा तो यार, एक जो है वो मोमिन की जलेबिया भाई जो है वो कह कह कर थक गए, लेकिन बहुत से लोग ये चीज फॉलो नहीं कर रहे यार। आपको बता दूं, मोमिन की जलेबिया भाई आधे से ज्यादा टाइम जो है ना वो एक्स पे ही लगे रहते हैं, एक्स यानी ट्विटर। हाँ, नाम भी ऐसा गंदा रखा है लोगों ने, एक्स जैसे कि कोई वो क्या कहते हैं, कुछ अलग तरीके की वेबसाइट हो। तो सिंगल एक्स है ना? हाँ, ये सिंगल एक्स है, ट्विटर की बात हो रही है। भाई लोग, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैं वहां पे कोई भी पोस्ट करूं,
प्लीज यार ट्विटर पे अगर आप लोग है तो प्लीज एक तो अकाउंट को मेरे फॉलो कर ले, बल्कि मैंने एडम साहब से भी बात की थी परसों कि ट्विटर पे हम जो है ना थोड़ा ज्यादा मतलब वहां पे एक्टिव रहेंगे, और उनको भी मैंने ब्लू टिक लेने के लिए बोला है, वो कोशिश कर रहे हैं वो भी लेने की। तो आप लोग प्लीज यार वहां पे सिर्फ लाइक ना करें बल्कि रीट्वीट भी करें। लेटेस्ट वीडियो मैंने डाला था उसमें देखिए कह रहे हैं ओनली 168 रीट्वीट हुआ है। तो अभी जो एडम्स फैन गर्ल या दूसरे जो मॉडरेटर है वो ट्विटर का लिंक आपके साथ शेयर करेंगे, मेरा भी कर देना और एडम्स साहब का भी कर देना। दोनों अकाउंट को आप लोग जिन्होंने फॉलो नहीं किया है वो फॉलो कर ले, अगर अकाउंट नहीं है एक्स पे तो अकाउंट एक बना ले भाई लोग प्लीज। वहां पे मोमिनों को फॉलो करो, भर भर के फॉलो करो, वहां पे जितने भी मुल्ला मौलवी है ना सारे लोगों को फॉलो करो, फॉलो करो और वहां पे कमेंट जिहाद करो, वहां पे टैग करो हमको, लिखो। और साथ ही साथ हम जो कोई अगर ट्वीट डाल रहे हैं तो उसको रीट्वीट करो प्लीज। अच्छा, जिन किसी को डर है कि भाई रियल आईडी से आपको ये खतरा मोल नहीं लेना है तो सूडो आईडी बना लो भाई, लेकिन जब सूडो आईडी बनाओगे तो उसमें ज्यादा स्पैम मत करना वरना आपका आईडी ब्लॉक हो जाएगा। थोड़ा हल्का हाथ रखना, आहिस्ते आहिस्ते पहले एक महीना दो महीने का ओल्ड हो जाने दो आपका आईडी, उसके बाद फिर आप थोड़ा उस पर जिहाद कर सकते हैं, कमेंट जिहाद या रीट्वीट जिहाद, स्पैम मत करो नए आईडी के साथ। तो अगर आपको डर है नए आईडी के साथ आप मतलब ओरिजिनल आईडी के साथ आप नहीं कर सकते, सूडो आईडी बनाइए और वहां पे आप लोग रीट्वीट करिए प्लीज, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। ये देखिए एडम साहब ने परसों डाला था यार, ये सैटरडे का है, सब लोग मिल के आवाज ब्रेक होके आ रही है, सिर्फ मुझे ब्रेक होके आ रही है? नहीं नहीं, ब्रेक हो रही है लाला जी, परफेक्ट तो आ रही है हम लोगों को, नहीं बराबर आ रही है, परफेक्ट आ रही है। मेरी तरफ मसला है साहिल, मैं इधर एक दफा बाहर निकल के वापस आता हूं। हां तेरी आवाज लेकिन परफेक्ट है भाई, लेकिन मुझे आप लोगों की आवाज रुक रही है, मैं देख रहा था मेरा इंटरनेट ड्रॉप होके वापस आ रहा है, मुझे रीसेट करना पड़ेगा थोड़ा राउटर, मैं राउटर रीसेट करके आता हूं। अच्छा ट्विटर पे मैं भी हूं एक्स मुस्लिम साजिद इमाम के नाम से, वो 1365 फॉलोवर करीब है, तो आप हां तो लिंक शेयर कर दे भाई, लिंक शेयर कर दे। अच्छा मैं भी ट्विटर पे लगा रहता हूं, और मोमिन की जलेबियां भाई का रोज, अरे यार बहुत ज्यादा वक्त देते हैं माशाल्लाह। हाँ तो लिंक शेयर कर दो, ट्विटर पे थोड़ा जिहाद करना जरूरी है भाई लोग, तो थोड़ा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट है। ये देखिए एडम का भी आ गया, साजिद का भी लिंक आ जाएगा, जरा वहां पे आप लोग फॉलो करिए। एडम साहब रीजॉइन करने तक सबनम खातून जी से बात कर लेते, दो विकेट तो गिर चुकी है दो बॉल पे, देखते हैं तीसरी विकेट गिरने वाली है या फिर मोमिना जो है वो इस्लाम को सच्चा साबित करेंगी। सबनम जी। हेलो साहिल भाई। हेलो सबनम जी। हैट्रिक हो गई साहिल भाई। जी सबनम जी। जी एक्चुअली मैं काफी दिनों से आपका चैनल देख रही हूँ, एंड आई एक्चुअली लाइक द कंटेंट यू आर मेकिंग। ओके, आप मोमिना है सबनम जी? लॉजिकली देखा जाए तो बिल्कुल भी नहीं। वाह भाई वाह, कब तक थी आप मोमिना? एक्चुअली देखा जाए तो मैं कभी भी नहीं थी, क्योंकि मतलब मेरे घर पे भी वैसा कोई एग्जैक्टली तो है नहीं कि हमेशा नमाज पढ़ रहा है कुरान पढ़ रहा है, बट हाँ उन लोगों का बिलीव जरूर है कि वो लोग एक मोमिन है ये वो, बट मेरा वैसा कभी नहीं रहा। बीच में एक टाइम था कि मैंने नमाज पढ़ना शुरू किया था, वो भी शायद कुछ ही महीनों के लिए, चंद महीनों के लिए, बट ऐसा नहीं कि मैंने आज तक इवन जो कुरान है मैंने कुरान नहीं पढ़ा। क्यों? क्योंकि जो कुरान का जो तर्जुमा होता है मुझे वो तर्जुमा समझ में नहीं आता था। वाह भाई वाह, तो हम लोगों को ऑब्वियसली हिंदी में पढ़ना होगा, मुझे उर्दू भी नहीं आता, अरबी लफ्ज मुझे समझ में नहीं आता, तो इस वजह से मेरा कभी इंटरेस्ट भी नहीं रहा कि मैं कुरान भी पढ़ूं। तो जब आपने नमाजें पढ़ना शुरू करी थी तो कुछ सूरह याद है आपको? एक दो सूरे याद था बट अभी मुझे उतना याद नहीं है। कोशिश करिए, कौन सा सूरा आपने याद किया था? रुकिए मैं थोड़ा सोच रही हूँ, एक्चुअली मुझे उतना याद नहीं, लेट मी रिमाइंड इट। सूरे फातिहा याद किया था आपने?
हाँ सूरह फातिहा याद किया था, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इयाका नअबुदु व इयाका नस्ताईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन, आमीन। यार परफेक्ट तो पढ़ा आपने, याद तो है आपको। याद है बट वो नमाज पढ़ने के लिए मैंने बस गिनती से 4 सूरे ही याद किए हैं, उसके आगे मुझे इवन सूरे का जो मीनिंग होता है मुझे मीनिंग भी नहीं पता कि उस सूरे में कहा क्या गया है। बहुत जबरदस्त, तो ये बात तो इनकी बहुत सही कही है और ये बात मैं हमेशा कहता हूं, और बल्कि जितने मोमिन हजरात है मैं उनसे कहूंगा कि ये आप चेक कर लो, ये बात मैंने कही थी कि अक्सर मोमिन हजरात जो है वो उन्होंने कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ा ही नहीं है, और जो पढ़ने की कोशिश भी करता है अपनी जो लैंग्वेज है हिंदी में या उर्दू में, वो 4-5 पेज, 10 पेज या मैक्सिमम 15 पेज पढ़ लिया ना, उसके बाद वो छोड़ देता है। क्यों छोड़ देता है? क्योंकि उसके समझ में ही नहीं आता कि भाई चल क्या रहा है इधर। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि इतनी एम्बिगुअस किताब है ये, अनक्लियर किताब है, आपको समझ में ही नहीं आएगा क्या चल रहा है, और इतनी बोरिंग किताब है जिसकी कोई इंतहा ही नहीं। वैसे मैंने बीच में एक बार ये एक बुक था हम लोगों के घर पे जिसे मतलब जिसका नाम था कससुल अंबिया, आई डोंट नो इवन आपको पता है या नहीं। पता है कससुल अंबिया पता है जी। तो मैंने बीच में मतलब आई वाज इन स्कूल दैट टाइम, सो मेरे जो एक सर थे ही वाज क्रिश्चियन, मतलब वो भी कन्वर्टेड थे, पहले वो हिंदू थे देन ही वाज कन्वर्टेड टू क्रिश्चियन। सो वो मुझसे डिबेट करते थे, तब तो मुझे इस्लाम के बारे में उतना कुछ इल्म था नहीं, तो मैंने ऐसे घर पे बात किया तो मुझे सजेस्ट किया कि तुम ये बुक पढ़ सकती हो, उसमें इस्लाम का हिस्ट्री है। मैंने पढ़ना शुरू किया, पढ़ते पढ़ते मुझे उतना इंटरेस्टिंग लगा नहीं, फिर भी मैंने पढ़ना शुरू किया किया किया, बट जब तक ये ईसा अलैहिस्सलाम का वाकया था वहाँ तक मैंने कुछ पढ़ा था। उसके बाद जब हम लोगों की ये जो बोलते हैं हजरत मोहम्मद उनका जब वाकया शुरू हुआ, थोड़ा सा ही पढ़ने के बाद मुझे इंटरेस्ट ही नहीं हुआ कि मैं आगे पढ़ूँ, वहीं के वहीं मैंने वो बुक बंद करके छोड़ दिया था। नहीं मैं ये चैलेंज जो है ना सबनम जी, जी तकरीबन 7,000 लोग देख रहे हैं, मैं सबको चैलेंज देता हूँ जितने मतलब इसमें मोमिन हजरात है, और नॉन मोमिन को भी अगर पढ़ना है पढ़ के देख लो, चैलेंज देता हूँ मोमिन हजरात को, चैलेंज देता हूँ जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा तर्जुमे के साथ, कुरान उठाओ कल से उसको पढ़ना शुरू करो, देखो कितना तुमको उसमें समझ में आता है, कितना इंटरेस्ट आता है, और कहां तक तुम कंटिन्यू कर पाते हो। चैलेंज ये ले लो और उसके बाद स्ट्रीम में आके बताना, ये चैलेंज देता हूँ। कोई भी मतलब कंटिन्यू कर ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे इंडिया में भी देखा जाए 80% लोग ऐसे हैं जिन्हें कुरान बस वो लोग रटते हैं पढ़ते हैं, उसका तर्जुमा उन लोगों को कुछ याद ही नहीं है, बस वो लोग नाम के लिए मतलब एक मतलब मैंने कोई एक तकरीर में सुना था कि कुरान पाक बस एक ही टाइम में खुलता है जब किसी का इंतकाल होता है, खोला पढ़ा उसको बख्शा बंद करके रख दिया, इससे ज्यादा कुछ काम ही नहीं है कुरान शरीफ का। बिल्कुल। अच्छा सुरैया जमाल शेख जी, सुरैया जी आप जब से कमेंट जिहाद आप भी कर रही है, पहले वो अक्सा जी कर रही थी, अभी आप कर रही है फेक प्रोपेगेंडा, और साहिल इज नथिंग बट अ क्रिश्चियन पपेट। अरे सुरैया जी स्ट्रीम ज्वाइन करो और इस प्रोपेगेंडा को एक्सपोज कर दो, अब इससे ज्यादा अपॉर्चुनिटी आपको कौन देगा? मुल्ला मुफ्ती। अच्छा दीदी ने बात सही कही, हाँ कि कुरान को कोई जल्दी छूता नहीं, कोई मर जाता है तो उसकी बख्शिश के लिए उतारते हैं। कुरान को जब आप पढ़िएगा तो सबसे पहले पेज पे लिखा रहता है ला यमुस्सुहु इल्लल मुतहरून, जब हाँ। आप पाक ना हो तो इसको ना छुए। मोमिन हर वक्त अपने आप को नापाक समझता है, पता नहीं मैं पाक भी इख्तलाफ है साजिद साहब, इसमें भी इख्तलाफ है। क्या इख्तलाफ है? ये इसमें इख्तलाफ ये है कि भाई वो ये जो आयत है ला यमसो इल्लल मुताहरून, तो भाई कि ये कौन सी गंदगी की बात हो रही है, जिस्मानी गंदगी या रूहानी गंदगी?
आप बिना वजू के किताब छू सकते हो नहीं छू सकते हो, इस बात में भी इख्तलाफ है। फिर कहते हैं कि यहाँ पे जो है ना, कुछ उलमा कहते हैं कि यहाँ पे फरिश्तों की बात हो रही है, और वो कौन से, किसकी बात हो रही है, लोहे महफूज की बात हो रही है, वो दुनिया वाले कुरान की बात नहीं हो रही है। मतलब हर चीज में इख्तलाफ है। अच्छा, दूसरी चीज ये, जैसे कि शबनम जी ने कहा और साजिद आपको ही मालूम होगा कि जब मरने के बाद या कोई नियाज मतलब कुछ इवेंट होता है मुसलमानों के वहां, और ये बरेलवी लोग करते कुरान खानी ये सब, वहां भी लोग तो नहीं करते, देवबंदी लोग में भी कुछ कुछ करते हैं भाई, ये लोग घर जा जाके पारे पकड़ाते हैं, और जब किसी के घर पे जाके पारे पकड़ाते हैं ना, तो वो ना दिल में गाली देता है। क्यों? क्योंकि जबान से मना भी नहीं कर सकता कि नहीं पढ़ के दूंगा या नहीं पढ़ के दूंगी। अब वो ले लेता और सोचता है यार ये क्या मुसीबत है, जबरदस्ती का दो पारे पकड़ा दिया। अच्छा, एक तो फिर भी वो भी कैसा कर करके आदमी जो है वो कंप्लीट करता है। कोई कोई जो है वो कोई पढ़ने वाला मिलता नहीं है, तो ये कुरान खानी जो करते हैं वो दो दो पारे पकड़ा देते हैं कि लो भाई ये खत्म करके दो। यानी वो पढ़ने में भी जो है लोगों को बोर मारता है। इतनी ऐसी किताब है, क्योंकि उसमें है ही कुछ नहीं ना, अरबी में आपने पढ़ना है, समझ आपको आनी रही है, तो यदि क्या करोगे पढ़ के, लाइक यू कांट इवन कॉम्प्रिहेंड क्योंकि उसमें लिखा गया है। एग्जैक्टली तो क्या होगा पढ़ने में भी है ना, कोई कुरान पढ़ता है तो लगता है जैसे कि कोई मक्खी भिनभिना रहा है, किसे इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। आप ऐसे देख लीजिए, तरावी वगैरह दीदी आपने कभी सुनी होगी, तो तरावी इतना फास्ट पढ़ा उनको ना, एक दिन में तीन, सबसे कम तो तीन पारा पढ़ते हैं, वरना दस दस पारा पढ़ते हैं एक रात। एक पारा यार, एक पारा हम लोगों ने होता था कि 27वीं तक पूरा कुरान खत्म करना है, 30 पारे हैं, 27 दिनों में खत्म करना है, तो दैट्स लाइक सवा पारा एप्रोक्सीमेट। लाला जी आप तो बहुत दूर है, तब इंडिया में ऐसा चलता है ना, तीन दिन वाली भी रहती है और 10 वाली भी होती है, तीन वाली भी होती है भाई, 10 पारे वाली भी होती है, लेकिन इतना फास्ट ऐसी तरावी मस्जिद में तो मैं जाऊं ही ना, घुसू ही ना। सबसे कम जो पढ़ाते हैं इंडिया में, मैं जानता हूँ इंडिया में सबसे कम तीन पारा, मतलब जिस तरफ मैं रहता हूँ तीन पारा, अब साहिल साहब की तरफ मालूम नहीं कितना पारा पढ़ाते हैं, तो इतना फास्ट है वो, तीन पारा ही पढ़ाते हैं, अगर तीन घंटे पढ़ाना होता है तो कैसे पढ़ाएंगे, सिर्फ यालमून और लास्ट का तालमून ये समझ आता है, उसके बाद करके मिला देते हैं। अच्छा मैं भी कभी जाता हूँ कुरान खानी वगैरह में, तो तीन तीन पेज एक साथ पलट देता हूँ, लास्ट में लड्डू मिलता है, भाई लड्डू कौन छोड़े, मसला ये है ना, दो पारा पढ़ लिया दो पेटी लड्डू, हाँ तो तीन पे चार पे एक साथ पलट, और रखने के बाद भी मुंह हिलता रहता है, लोग समझे कि हाफिज साहब और इमाम साहब माशाल्लाह अभी तक तिलावत फरमा रहे हैं, रखने के बाद भी एक पारा तो एक्स्ट्रा हो गया होगा उनका, उनको क्या पता कि बीच में मैं याद करता रहता हूँ कल कौन सी स्ट्रीम करनी मेरे को। यार तू बहुत ही बदतमीज शख्स है। अच्छा उस पे अभी बात चल रही थी, गुफ्तगु चल रही थी इस पे लायमुस सुहिलल मुताहरून पे, तो मैं ये देख रहा था, पूछा गया कि आयत करीमा लायमुस सुहिलल मुताहरून की रोशनी में कुरान मजीद को बावजू होकर ही छूना जरूरी है, तो ये कहते हैं नीचे इमाम मालिक का फतवा है, वो कहते हैं कि बच्चों को वजू के बगैर कुरान पकड़ने की इजाजत दी है लेकिन बड़ों को नहीं। हाँ, और ये अहले इल्म का इस बारे में इख्तलाफ है कि आयत करीमा लायमुस सुहिलल मुताहरून जो सूरह वाकई 79 से मुराद फरिश्ते हैं या बनी आदम, बोला था ना मैंने जमात। हाँ, इस पे भी इख्तलाफ भाई, इतनी छोटी छोटी बातों पे इख्तलाफ आए वल्लाह हबीबी, सलफ की एक जमात इस बात की कायल है कि किसी बात में इख्तलाफ ना हो, ये कैसे हो सकता, मुमकिन ही नहीं, मुमकिन नहीं। अच्छा कुछ कहते हैं कि इससे बनी आदम मुराद है इंसान, कुछ कहते हैं कि इससे मुराद फरिश्ते हैं, तफसीर इब्ने कसीर वगैरह में इब्ने अब्बास से यही मरवी है कि दीगर अहले इल्म ने इस बात का इतलाक बनी आदम से लेकर जनाबत और हदस असगर, छोटा हदस यानी पाद मार दिया अगर आपने छोटा कजाए हाजत वगैरह से बजू बेवजू पर किया है, उन्होंने कहा कि यहाँ खबर बमाने तलब है। अच्छा लायमुसल मुतारून यानी तहारत के बगैर कुरान को छूना जायज नहीं है, ना छुआ जाए, क्या कर सकते हैं भाई, इसीलिए बाज लोग नहीं छूते कि नहीं मैं वजू से नहीं हूँ या फिर मैंने कुछ भी कर दिया मैं गंदा हूँ, तो नहीं छूते, रखे रहते हैं ऊपर, कभी उसको नीचे भी उतारते हैं तो काफी धूल मिट्टी जमी रहती है, उसको हटाते हैं तो कौन पढ़ने जाए, और मीनिंग वाला तो कोई रखता नहीं अपने घर में, सिर्फ सवाब की नीयत से पढ़ते हैं।
शबनम जी और कुछ ऐड करना है, फिर हम कोई मोमिन लोग से भी जरा बात कर लेते हैं, क्योंकि आज के टॉपिक पे कोई मोमिन से अभी तक बात नहीं हो पाई है। कुछ और ऐड करेंगी आप? जी एक्चुअली मैं माफी मांगना चाहूंगी पहले तो कि आप लोगों के टॉपिक में मैंने इंटरप्ट किया, बट एक बात नहीं नहीं मैं कोई और मुश्किल नहीं। कहना चाहूंगी कि एक्चुअली मेरे आज आप लोगों के लाइव स्ट्रीम में आने का एक रीजन और है। एक्चुअली जी मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और वो हिंदू है। पिछले ओके 8 साल से हम लोगों का रिलेशन चल रहा है। तो हम्म, जब मैंने आपको बताया कि बीच में एक फेज था, मैं नमाज पढ़ती थी एंड ऑल, लगभग देखा जाए तो उसी वक्त में उनसे मिली थी एंड धीरे 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 मुझे हर एक बात समझ में आया। और वो एक्चुअल में ही एक्चुअली लाइक एडम भाई, वो एडम भाई को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पे आने का मेरा एक रीज़न वो भी था कि आप लोगों से थोड़ा बात हो पाए। हमसे क्या चाहती है आप वो बता दे तो हम अपने नहीं, हिसाब पहले तो से मुझे ये गाइड बताएं, कर दे। 8 साल से आपका रिलेशन चल रहा है क्या? बच्चे पैदा करके शादी करनी है? लाइक 8 साल से ये रिलेशन कौन चलाता है नहीं, भाई? अपना अपना कोई गोल है, अपना ड्रीम्स पूरा करना है, वो ड्रीम्स पूरी होने के बाद आराम से होगा शादी। नहीं तो क्या मतलब शादी करके ड्रीम पूरा कर लो क्या? ये 8 साल से रिलेशन चल रहा है क्या? हो क्या रहा है 8 साल में? क्या क्या करना है? पूरी दुनिया फतेह करके शादी करनी है? ऐसा भी नहीं लाइक 8 साल भाई, कोई मतलब 8 महीने आपसे की बात हो रही है? आठ साल आप लोग तो बेहतर ही समझते हैं, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का मैटर है, आप तो बेहतर समझते हैं। हाँ ना, तो करो बात मुकाओ। आप अब अडल्ट 8 साल है शबनम जी, आप अडल्ट है, जी, आठ साल इस्लाम पहले वाली अडल्ट अडल्ट नहीं, 9 साल वाली नहीं, 18 साल। नहीं जी, नहीं मैं लीगली एडल्ट हूँ, हाँ मैं लीगली एडल्ट हूँ। अच्छा, लीगली अडल्ट है ना, तो देखिए डिसीजन लीजिए उस हिसाब से आप आगे बढ़िए। स्पेशल मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट क्या, आप जो है वो अगर आप इस्लाम को नहीं मानती है तो जी नहीं, उसके लिए भी फिर चूंकि आप हिंदू नहीं है, आपका जो बॉयफ्रेंड है वो हिंदू है, तो भी आपको स्पेशल जी मैरिज एक्ट से ही करना पड़ेगा। तो है ऑप्शन, आप जी जाइए, आप सक्षम बनिए और किधर अलग जगह पे जाके सेटल होइए, कोई मुश्किल नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल लेकिन वंस अगेन, अगर आप किसी के साथ अपनी जिंदगी भर रहने का इरादा कर रही है, तो बहुत सोच समझ के और तहकीक करके उसके बाद डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि ये कैसा है ना कि ऐसा नहीं है वन टाइम वाला खेल, ये आपको जिंदगी गुजारनी पड़ती है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, चाहे कोई भी हो, चाहे मुस्लिम लड़का हो, मतलब मुस्लिम आपस में शादी करते हैं, या फिर नॉन मुस्लिम आपस में शादी करते हैं, यू हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल अगर शादी की बात है तो। और जी जी जिंदगी गुजारनी बिल्कुल है, यहाँ बुढ़ापा नहीं, पे जी। और यहाँ पे जिंदगी वैसे गुजारनी शादी है। का बात, देखा जाए तो वैसा तो कुछ है नहीं कि हिंदू है इसीलिए मैंने प्यार किया, वो इंसान अच्छे है इसलिए प्यार हुआ है। सो इसमें वैसा कुछ नहीं है कि इस्लाम हिंदू ये वो, बस इंसान सही होना चाहिए और हर मोड़ पर सपोर्ट होना चाहिए। बिल्कुल, तो वो आपको डिसाइड करना है, देख सोच समझ के आप फिर आगे बढ़िएगा। ठीक है प्यारे भाई, प्यारे भाई बोल रहा हूँ, सॉरी। ठीक है शबनम जी, जी, बिल्कुल बहुत शुक्रिया शबनम जी के लिए, गुलाब हो जाए। आज शबनम जी की वजह से हैट्रिक हो गई हमारी, 3 विकेट एक साथ डाउन। और मोमिनो मोमिन नहीं, मुल्लाओं की दुकान बंद, द दी डैमेज हैज डैमेज बीन हैज डन। बीन डन।